न्यूज़ सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, यह है MNS न्यूज नेटवर्क, मैं हूं आपके साथ आरती। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। मेट्रो में लड़की के सामने युवक ने की अश्लील हरकत, वीडियो वायरल, DCW ने भेजा नोटिस। दिल्ली में लड़की के बगल में बैठकर एक युवक ने अश्लील हरकत की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो गया। अश्लील हरकत करने वाले युवक पर सख्त कार्रवाई करने की मांग को लेकर दिल्ली महिला आयोग ने दिल्ली पुलिस और दिल्ली मेट्रो को नोटिस भेजा है। DCW की अध्यक्ष स्वाति मालीवान ने कहा कि नोटिस में उन्होंने मेट्रो और पुलिस अधिकारियों से कहा कि वह इस मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगी। उन्होंने युवक की हरकत को शर्मनाक बताया। युवक की इस शर्मनाक हरकत को एक लड़की ने चुपके से अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया था, जिसे बाद में सोशल मीडिया में वायरल कर दिया। आइए देखते अगली खबर की तरफ। बस कीजिए सर, चिल्लाती रही छात्रा और छेड़छाड़ करता रहा शिक्षक, वीडियो वायरल। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जनपद से एक शर्मनाक मामला सामने आया। मिर्जापुर स्थित राजकीय आई कॉलेज कटरा का एक शिक्षक वहां पढ़ने वाली छात्रा के साथ छेड़खानी कर रहा है। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोगों द्वारा नाराजगी जाहिर करते हुए कार्यवाही की मांग की गई। वही पुलिस ने आरोपी शिक्षक को गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल बुधवार को एक व्यक्ति द्वारा ट्विटर पर इस वीडियो को ट्वीट किया गया। पोस्ट करने वाले ने लिखा कि यह वीडियो राजकीय औद्योगिक संस्थान ITI कॉलेज मिर्जापुर का है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोगों द्वारा शिक्षक द्वारा किए गए बर्ताव को लेकर नाराजगी देखने को मिली। लोगों द्वारा मिर्जापुर पुलिस को टैंग करते हुए कार्यवाही की मांग की गई। वायरल वीडियो होली के समय का बताया जा रहा है। वीडियो में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि शिक्षक छात्रा को पकड़कर रंग लगा रहा है। छात्रा बैठी हुई और बस कीजिए सर कहते हुए छोड़ने की गुहार लगा रही है। महज 15 सेकंड के वीडियो में छात्रा कई बार बस कीजिए सर कहते हुए सुनी जा रही है। वही दूसरी द्वारा छात्रा द्वारा इसका वीडियो बनाया जा रहा है। इस दौरान शिक्षक द्वारा वीडियो बनाने से मना भी किया जा रहा है। इस बारे में मिर्जापुर पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार मिश्रा ने बताया कि इस मामला संज्ञान के आने के बाद तत्काल क्षेत्राधिकारी नगर परमानंद कुशवाहा के नेतृत्व में एक टीम गठित कर जांच करवाई गई। वही कटरा कोतवाली पुलिस ने शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया, उसके ऊपर कार्यवाही की जा रही है। आइए देखते हैं अगली खबर की तरफ। गोद में गर्लफ्रेंड, रोमांस और तेज रफ्तार स्कूटी, वीडियो वायरल हुआ तो आशिक ने माफी मांगी। सोशल मीडिया पर छत्तीसगढ़ का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक लड़का और एक लड़की स्कूटी पर बैठे हुए, लड़की युवक के गोद में बैठी हुई है। युवक तेज रफ्तार से स्कूटी चला रहा है, लड़की ने युवक को गले से लगाया है। दोनों स्कूटी पर रोमांस कर रहे। इस वीडियो को लड़के ने अपने सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। युवक ने वीडियो के बैकग्राउंड में बाजीगर और बाजीगर गाना भी लगाया है। अब वीडियो वायरल होने के बाद युवक ने माफी मांगी है। वीडियो में देखा जा सकता है कि सड़क बिल्कुल सुनसान है। पीछे से किसी बाइक सवार युवक ने दोनों का वीडियो रिकॉर्ड किया है। दरअसल यह बिलासपुर जिले का मामला है। आज तक की एक रिपोर्ट के मुताबिक वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने यह युवक के खिलाफ एक्शन लिया है। पुलिस ने बताया कि यह वीडियो बुधवार की रात का है। वीडियो वायरल होने के बाद रोमांस कर रहे आशिक ने माफी मांगी। युवक कॉलेज का स्टूडेंट है। युवक ने माफी मांगते हुए सोशल मीडिया पर यह भी कहा कि आगे से वह ऐसी गलती नहीं करेगा। यातायात पुलिस ने युवक के खिलाफ एक्शन लेते हुए सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए अक्सर कई लोग नियम कानून की परवाह किए बगैर खतरनाक स्टंट करते। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि लड़की स्कूटी पर युवक के गोद में बैठी है, साथ ही युवक काफी तेज रफ्तार में स्कूटी चला रहा है। दोनों ने हेलमेट भी नहीं पहन रखा है। ऐसे में यह स्टंट काफी खतरनाक भी साबित हो सकता है। पुलिस ने युवक के खिलाफ एक्शन लिया है। गाड़ी का चालान काटा गया। युवक ने इसे लेकर माफी भी मांगी है। सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए अक्सर कई लोग नियम कानून की परवाह किए बगैर खतरनाक स्टंट करते। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि लड़की स्कूटी पर युवक के गोद में बैठी है, साथ ही युवक काफी तेज रफ्तार में स्कूटी चला रहा है। दोनों ने हेलमेट भी नहीं पहन रखा है। ऐसे में यह स्टंट काफी खतरनाक भी साबित हो सकता है। पुलिस ने युवक के खिलाफ एक्शन लिया है। गाड़ी का चालान काटा गया है। युवक ने इसे लेकर माफी भी मांगी है। 8,800 रुपए का चालान भी काटा है। यह वीडियो बिलासपुर के सिविल लाइन इलाके का बताया जा रहा है। पुलिस ने स्कूटी चला रहे युवक की पहचान कर ली है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज TV ऐप्स डाउनलोड करें।
इंस्टा लिंक, ट्विटर, आईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewsday.com पर। फिलहाल वक्त चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज पर। नमस्कार।